दोस्तों बिहार के 38 जिले के अप्लाई करें। जी हाँ दोस्तों, बिहार के किसी भी जिले से तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खुशखबरी आई है बहुत दिनों बाद। आपको बता दें, जॉब जो है परमानेंट भर्ती है, परमानेंट जॉब है, और नौकरी अपने ही बिहार में ही करना है, नौकरी बिहार में ही करना है। बिहार में जॉब मिलेगा आपको, सैलरी जो हो गया 19,900 से लेकर 63,000 तक सैलरी दिया जाएगा। योग्यता की बात करते हो तो यहाँ पे 12वीं पास मांगी जा रही। कौन सा पद है, कहाँ से वैकेंसी निकल के आ रही है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है पटना हाई कोर्ट। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपको नीचे आने, नीचे पे आने के बाद इस वेबसाइट पे जाकर भी आप रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करते हैं रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे, तो आपको जहाँ पे जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन वगैरह वो डायरेक्ट खुल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों नोटिस रिगार्डिंग लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो पद है जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट का है रिक्वायरमेंट। और आपको बता दें ये जो डेट यहाँ पे दिया गया, तो आपको इस पे क्लिक करना है, व्यू पर। जैसे आप व्यू पर क्लिक करते हैं तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं। या फिर आप ऐसे जो पटना हाई कोर्ट .gov.in खोलना है, और यहाँ पे आने के बाद नीचे में आपको रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन यहाँ पे मिलेगा, तो इस पर भी क्लिक करके आप यहाँ पे उस पेज पर डाउनलोड करने वाले पीडीएफ वाले पेज पे आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन, देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है। दोस्तों लिखा गया कि पटना का ये जो नोटिफिकेशन डाउनलोड हुआ है, जो कि यहाँ पे दोस्तों पटना हाई कोर्ट .gov.in यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे हेल्प ईमेल वगैरह भी और हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। तो यहाँ पर आते हैं तो दोस्तों, तो इसको आवेदन करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो भी यहाँ पर दिया गया है, और डेट इंपॉर्टेंट डेट भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो शुरू है 11 जुलाई से शुरू होगा, लास्ट डेट सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जुलाई तक, लास्ट डेट मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 26 जुलाई तक, लास्ट जो है आपको CBT एग्ज़ाम जो होगा 16 अगस्त को होगा टेंटेटिव। तो ये रहा वैकेंसी, और आपको बता दें वैकेंसी के बारे में सैलरी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, तो कि 19,900 से लेके 63,200 सैलरी आपको दिया जाएगा, जो कि पद जो है लाइब्रेरियन ग्रुप सी का पद है। और ये जो वेतन जो है पे मैट्रिक्स 7 के, मतलब कि सत्ता वेतन के अनुसार ये दिया जाएगा। और ये रहा कैटेगरी वाइज सीट, कितना कितना किस कैटेगरी में सीट है वो यहाँ पे दिया गया है, टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। और आपको बता दें ये जो वैकेंसी जो है पटना हाई कोर्ट में आई हुई है, तो इसको एप्लीकेशन फी क्या लग रहा है इसका, वही मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको बता दें कि एज के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। बात करते क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर दिया गया क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो कि बताया गया है इंटरमीडिएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो अब किसी भी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, इंटर पास है तो। और यहाँ पे दिया गया है तीन प्रकार के, यहाँ पे दोस्तों डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम, और बताया गया है कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा। और तीसरे नंबर पर यह दिया गया है आपको जो है इसमें 6 मंथ का आपको कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स आपको होना चाहिए, जैसे DCO वगैरह होता है वो। और नीचे में आते हैं तो इसके बारे में एप्लीकेशन फ़ी वगैरह भी दिया गया है। और आपको रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये रहा रिजर्वेशन, कास्ट जो हो गया AC के लिए 16%, AC ट्राइब के लिए जो हो गया, तो यहाँ पे यानी कहते हैं ST का तो 0.1, और बैकवर्ड के EBC का जो यहाँ पे 18%, BC का यहाँ पे 12, और इसके बाद जो आर्थिक रूप से कमजोर उनको 10% यहाँ पे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी इसमें कितना लग रहा है तो मैं आपको बता दूँ, तो इसका एप्लीकेशन फ़ी जो लग रहा है अनरिजर्वेड BC EBC EWS के लिए 1,000 रुपया, SC ST OH कैंडिडेट के लिए 500 रुपया इसका आवेदन शुल्क लग रहा है। ये आपको बता दें इसका आवेदन जो है इसका 11 जुलाई से शुरू हो जाएगा, और आपको CBT का जो एग्ज़ाम वगैरह जो लिया जाएगा इसमें जो सेंटर रहेगा पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इन 3 सिटी में इसका जो है एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो जेन्युइन वैकेंसी है, रियल वैकेंसी, जो लोग बिहार में रहकर जॉब करना चाहते हैं तो लोग ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें, और जो लोग भी एलिजिबल है तो। तो दोस्तों यही है, पूरे यहाँ पे 14 पेजों में दिया गया है, तो मैं आपको मेन जो बात है आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।